हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन कल्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो भी देख लें। और इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे तो उनको हमने यहाँ डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को देखें। So without wasting the time, let's begin with the first question. The Sangai festival is celebrated in Sangai एक festival है, ये कौन से state में celebrate किया जाता है? It is celebrated in Manipur. The temples constructed at Khajuraho are Khajuraho में जो temples construct किए गए हैं तो वो किस से related हैं? तो इसका जो correct answer है 1, 2 and 3, यानी Jain temples भी है यहाँ, then Vaishnavite temples भी हैं यहाँ एंड सेवाइट टेम्पल्स, ये भी यहाँ खजुराहो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल है तो इसमें आपने बताना है कि ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट, गुंडीचा ब्रदर्स आर वेल नोन एक्सपोनेंट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो गुंडीचा ब्रदर्स जो कि वेल नोन एक्सपोनेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का कौन से स्टाइल से ये दोनों रिलेटेड हैं। तो दे आर रिलेटेड इन द्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो इनमें से कौन सी सिटी में एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? जयपुर में। मी डैम मी फाई फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ़ द कम्युनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो ये एक फेस्टिवल है, आपको बताना है कि ये कौन सी कम्युनिटीज़ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ताई अहोम ये एक कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडियन में, तो वहाँ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मीडम मी फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थाचन पुरस्कारम ये एक हाइस्ट लिटरेरी अवार्ड है, और आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नमेंट, तो ये कौन सी गवर्नमेंट का हाइस्ट लिटरेरी अवार्ड है? तो ये केरला का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, इसका आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्स बासा वश्री अवार्ड। तो कौन सी गवर्नमेंट बासा वश्री अवार्ड ये देती है? तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट देती है। ए फायर टेंपल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर, तो फायर टेंपल ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो किन लोगों की ये प्लेस ऑफ वर्शिप है? तो ये है जोरो एस्टेरियंस के लिए। फायर टेंपल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर जोरो एस्टेरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वरी कमर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली पॉसिबली वुमेन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बागेश्वरी कमर ये एक लेडी है, आपको बताना है शी इज़ ओनली द प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनमें से ये इंडिया के अंदर ये एक ऐसी लेडी है जो सिर्फ यही इनको इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती है। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सिर्फ यही एक लेडी है इंडिया के अंदर जो इसको बजाती है? तो ये है शहनाई। तो बागेश्वरी कंवर शी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली वुमेन जो कि शहनाई इसको बजाती है, इज़ द ओनली वुमेन प्लेयर ऑफ शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मटीरियल वॉज यूज इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? रेड सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स। रेड स्टोन ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन माइथोलॉजी धूम्रवर्णा इज एन इनकॉर्नेशन और अवतार ऑफ। तो इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो धूम्रवर्णा है ये किसके अवतार हैं? तो ये हैं गणेशा के अवतार या इनकॉर्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। तो रॉक कट केव यानी रॉक्स को काट के एक केव बनाई गई है जो इंडिया की इस वक्त ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव है। तो आपको ये बताना है ये कौन सी केव है? तो ये बराबर केव्स इसका नाम है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इनमें से आपको बताना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं, उनने कौन सी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी? तो उन्हें की थी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया यक्षगंगा अ डांस ड्रामा इज़ पॉपुलर। तो
आपको बताना है। यक्षगंगा जो एक डांस ड्रामा है, ये कौन सी स्टेट के अंदर पॉपुलर है? तो ये है कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ महाभारत डील्स विद फ्रूटलेस एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पीस बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज? तो कौरवाज एंड पांडवाज के बिटवीन में पीस करने की कोशिश की गई, आपस में उनके बीच में वार चल रहा था, तो उनके बिटवीन पीस करने की कोशिश की गई लेकिन वो सारा फ्रूटलेस रहा। तो ये फ्रूटलेस एफर्ट था, यानी उनके बीच में ये पीस नहीं हो पाया। तो महाभारत जो है उसके कौन से चैप्टर में ये तमाम चीज़ें डील है? इट इज़ ये डील करती हैं उद्योग पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मुस्लिम हॉली बुक द कुरान? मुस्लिम की हॉली बुक है कुरान, उसका फर्स्ट चैप्टर क्या डील करता है, उसमें वो कौन सा चैप्टर है? तो उसका नाम है अल-फातिहा। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट नेम ऑफ लहसिंगी खबाब्स फेस्टिवल? तो लहसिंगी खबाब फेस्टिवल, इसका अर्लियर नेम आपको बताना है क्या है? तो ये है सिंधु दर्शन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगलिया शॉल अ यूनिक वीविंग स्टाइल हैज़ बीन गिवन जी आई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैब रिकॉग्निशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन लेटर हाफ ऑफ द 2019। दिस इज इंडिजीनियस क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो टंगिया शॉल ये एक यूनिक तरीके से इसको बना जाता है और इसको जी आई टैग भी दिया गया है 2009 में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको बताना है ये टंगिया शॉल ये कौन सी स्टेट के अंदर बनाया जाता है, इस टाइप का शॉल कहाँ बनाया जाता है? तो ये गुजरात के अंदर बनाया जाता है। देन मत्री मंदिर इज लोकेटेड इन, तो मत्री मंदिर ये कहाँ लोकेटेड है? पांडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल सिटी ऑफ ओशियन नियर जोधपुर वॉज बिल्ट बाई? तो जोधपुर के नज़दीक एक टेम्पल है, टेम्पल सिटी ऑफ ओशियन, इसको किसने बिल्ड किया था, किसने इसको बनाया था? तो इसको बनाया था प्रतिहारस ने। नेक्स्ट, टेम्पल ऑफ एमराल्ड बुद्धा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो टेम्पल ऑफ एमराल्ड बुद्धा ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, विच अमंग द फॉलोइंग मे फॉल इन द सेम मंथ ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर? तो इनमें से कौन एक ही दिन में फॉल करता है, यानी सेम मंथ में इनमें से कौन सा फेस्टिवल फॉल करता है ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर? तो ये है इसमें एक तो बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक जयंती, तो ये एक ही सेम मंथ में फॉल करते हैं ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर। देन कालोल वाज द नेम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोमेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेचर्स? तो कालोल ये एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोमेंट रही है, तो आपको बतानी है इसका जिक्र कौन से लिटरेचर में है, तो इट इज़ अमंग द बंगला लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिंगर इज ऑफन कॉल्ड प्रिंस ऑफ भांगड़ा? तो प्रिंस ऑफ भांगड़ा किसको कहा जाता है? तो सुखबीर इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ भांगड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज ऑब्जर्व्ड बाय वर्शिपिंग टूल्स? तो कौन सा फेस्टिवल जिसको सेलिब्रेट किया जाता है टूल्स को, वेरियस अवजार्स को उनकी पूजा करके? तो विश्वकर्मा जयंती, इस दिन टूल्स जो अवजार वगैरह होते हैं उनकी वर्शिप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया डांस विच इज़ वन ऑफ द 8 प्रिंसिपल क्लासिकल इंडियन डांस ट्रेडिशंस इज़ फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स? तो सत्रिया डांस ये एक जो इंडिया के 8 प्रिंसिपल क्लासिकल डांसेस हैं, इंडियन डांस ट्रेडिशंस हैं, उनमें से ये एक डांस है, तो आपको बताना है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू आसाम, तो ये आसाम से रिलेटेड है ये सत्रिया डांस। तो आपको ये जो 8 प्रिंसिपल क्लासिकल डांसेस है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, और कौन सा डांस किस स्टेट से रिलेटेड है वो आपको याद करने हैं। इसका मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो हमने वीडियो लेक्चर डिस्कस किया है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टेम्पल इन इंडिया वाज कॉल्ड एज द ब्लैक पगोड़ा बाई यूरोपियंस? तो किस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहा गया था यूरोपियंस के द्वारा? तो कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा को। इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया अ फेस्टिवल कॉल्ड चपचारकुट इज सेलिब्रेटेड इन मार्च? तो कौन सी स्टेट में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है चपचारकुट? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान? इनमें से कौन सी जगह लोकेटेड राजस्थान में लोकेटेड नहीं है? तो नरवार फोर्ट इट इज़ नॉट लोकेटेड इन राजस्थान। बाकी ये जो 3 प्लेसेज है, करणी माता टेम्पल, अकलिंगी, देन जूनागढ़ फोर्ट, तो ये तीनों राजस्थान में लोकेटेड हैं,
तो इसका जो डी पार्ट है नरवार फोर्ट इट इज़ नॉट लोकेटेड इन राजस्थान। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन राजस्थान, ये आ गया है। शॉर्ट श्योर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो विच स्टेट श्योर टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स लेट मदर इंडिया बी द ओनली गॉड टू बी वर्शिप्ड बाई इंडियंस, तो अगले 50 साल को सिर्फ मदर इंडिया को ही जो इंडिया के लोग हैं उनको वर्शिप करना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस, तो ये बात किसने कही, तो ये कही थी स्वामी विवेकानंद ने। इन विच आर द फॉलोइंग फील्ड्स व्यास सम्मान इज गिवन, तो व्यास सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है, तो लिटरेचर की फील्ड में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिजाइनिंग न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया है इन कोलेबोरेशन विद एडविन लिटियंस, तो हर्बर्ट बाकर इन्होंने, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिजाइनिंग न्यू दिल्ली इन कोलेबोरेशन विद एडविन लिटियंस। रविंद्रनाथ टैगोर्स जनगणमन हैज़ बिन अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम, तो ये जनगणमन ये इंडिया का नेशनल एंथम है। हाउ मेनी स्टैंजाज ऑफ द सेड सॉन्ग वर अडॉप्टेड, तो जो उनकी जो ओरिजिनल पोएम है उसमें से कितने स्टैंजाज को एज ए जनगणमन इसको नेशनल एंथम बनाया गया, तो ऑनली फर्स्ट स्टैंजा, तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएम है उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है दैट वाज अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज, यानी जो लेंथ और ब्रेड्थ है इनकी आपस में रेशो क्या है, तो 2:3 यह है इसकी रेशो। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंडियन नेशनल फ्लैग से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, तो ये आपने खुद स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र द मैन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांसिस वाज रिटन बाय, तो नाट्य शास्त्र जो मैन सोर्स है इंडियन क्लासिकल डांसिस का, तो वो किसने लिखी थी, भारत मुन्नी ने। डांडिया इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ, तो ये कहाँ का पॉपुलर डांस है, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन बाय, तो जो इंडिया का एम्बलम है उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडुक उपनिषद से। मोही नियट्टम डांस, ये एक डांस है, डांस फॉर्म है। डिवॉल्व ओरिजिनली इन विच स्टेट, जो असल में कौन सी स्टेट में ओरिजिनली डिवॉल्व हुआ था, इट वाज ओरिजिनली डिवॉल्व इन केरला। तो मोहिनीअट्टम ये जो इंडिया के 8 क्लासिकल डांस है ये उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद गुजरात, तो इनमें से गुजरात से रिलेटेड कौन सा फोक डांस है, तो गरबा। विच आर द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद गुजरात, तो गरबा रिलेटेड है गुजरात से, ये एक फोक डांस है गुजरात का। विच आर द फॉलोइंग अकेडमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया, जिनमें से कौन सी अकेडमी रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूजिक, संगीत अकेडमी। द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी, तो रथपुरी यात्रा, रथ यात्रा जो पुरी में सेलिब्रेट की जाती है, तो वो हिंदू के किस डाइटी को ऑनर के लिए सेलिब्रेट की जाती है, जगन्नाथ। द बुक ऑफ पारसीज इज, उनकी कौन सी बुक है, जेंड अवस्था। नेक्स्ट, कथकली इज अ फोक डांस प्रिवेलेंट इन विच स्टेट, तो कथकली ये कौन सी स्टेट का डांस है, केरला। ये भी इंडियन जो 8 क्लासिकल डांसेज हैं उनमें से हैं, केरला के 2 डांसेज हैं, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम, ये जो इंडिया के 8 क्लासिकल डांस है उनमें ये इंक्लूड हैं और ये दोनों केरला से हैं। विच आर द फॉलोइंग डांसेज इज अ सोलो डांस, इनमें से कौन सा सोलो डांस है, उट्टन थुलाल। नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर, नेशनल एंथम सबसे पहले कब गाया गया, 1911 में। थिलाला इज द फॉर्मेट ऑफ कथक, ये कथक का एक फॉर्मेट है। मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स, तो ये फोक पेंटिंग्स का एक स्टाइल है मधुबनी। इज अ पॉपुलर इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये कौन से स्टेट में मधुबनी जो एक पेंटिंग है ये पॉपुलर है, इट इज़ पॉपुलर इन बिहार। कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया,
द हेड क्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी, तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। द डांस एनकरेज एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द टेंपल ऑफ तंजोवर वाज, जो टेंपल ऑफ तंजोवर है वहाँ से डांस एनकरेज किया हुआ है, तो वो कौन सा डांस है? भरतनाट्यम। द लास्ट महाकुंभ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज हेल्ड इन, जो लास्ट महाकुंभ है 20th सेंचुरी का, ये कहाँ हुआ था? हरिद्वार में। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय बिकिम चंद्र चटर्जी, हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, मोहम्मद इकबाल। इन विच आर द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसिस अ क्लासिकल फीचर, किस फेस्टिवल में बोट रेसिस यानी किश्तियों की रेस ये एक स्पेशल फीचर है? ओ नाम है। कलचक्रा सरमनी इज एसोसिएटेड विद विच आर द फॉलोइंग सरमनीज, तो कलचक्रा सरमनी ये किस सरमनी से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है कलचक्र सरमनी। विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी वर्क विच इज ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तो कौन सी प्लेस चिकनकारी वर्क के साथ फेमस है? ये ट्रेडिशनल आर्ट है एम्ब्रॉयडरी का, तो लखनऊ। लखनऊ इज़ फेमस फॉर चिकनकारी वर्क। द पेंटिंग इन अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर चोलोकियाज, तो अजंता और एलोरा केव्स में जो पेंटिंग्स है तो वो किसके साथ रिलेटेड है? चोलोकियाज के साथ वो रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द चोलोकियाज। मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग, तो ये फोक पेंटिंग का एक स्टाइल है, ये कौन सी स्टेट में पॉपुलर है? बिहार में। विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस फेमस फॉर चिकनकारी वर्क, ये चिकनकारी वर्क के साथ फेमस प्लेस वो है लखनऊ, ये पीछे भी हमने पढ़ा। तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ अकबर के कोर्ट में था, हु पुट अप द मोस्ट स्टिफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया, तो इनमें से किसने ब्रिटिश के साथ स्टिफ रेजिस्टेंस यानी काफ़ी जदोजहद की? तो मराठाज ने काफ़ी इनके साथ लड़ाइयाँ की, उनके सामने खड़े भी रहे। नेक्स्ट, पुंगी इज़ अ डांस फॉर्म रिलेटेड टू स्टेट, पुंगी ये किस स्टेट से रिलेटेड ये डांस है? हिमाचल प्रदेश से। द मैन हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, साहित्य अकेडमी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। कुंभ मेला इज़ हेल्ड इन एवरी 12 ईयर्स, तो ये हर 12 साल के बाद होता है। कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल वाज, तो मुगल की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन। पंचतंत्र ओरिजिनली रिटन बाय, तो ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने। विच क्लासिकल डांस ऑफ फॉलोइंग इज नेम्ड आफ्टर विलेज इट वाज बॉर्न इन, इंडिया के 8 क्लासिकल डांस हैं उनमें से कौन सा डांस उस विलेज से रिलेटेड है जिसमें वो बॉर्न हुआ था? कुचिपुड़ी से, ये कुचिपुड़ी विलेज से यहाँ से निकला था, तो इसलिए इसका नाम ये कुचिपुड़ी ही पड़ा इस डांस फॉर्म का। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इन हिंदू माइथोलॉजी व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑस्पिशियस जीवा लॉर्ड विष्णु वियर्स ऑन अ पेंडेंट अराउंड द नेक, तो गॉड विष्णु जो अपने गले के आसपास नेकलेस पहनते थे उसका क्या नाम था? कस्तुभम। चौथ वाज, चौथ क्या था? ए लैंड टैक्स लिवाइड बाई शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट्स, तो शिवाजी जो नेबरिंग स्टेट्स से लैंड टैक्स लेते थे तो उसको चौथ के कहा जाता था। विच इंडियन कम्युनिटी सेलिब्रेट्स खुरदाद साल, खुरदाद साल ये कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? पारसी। विच क्लासिकल डांस इज़ फेमस इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस फेमस है? भरतनाट्यम। द मोहिनाट्यम डांस फॉर्म वॉज डेवलप्ड इन विच स्टेट? केरला। हु इज़ नोन एज बेयर फुट पेंटर, बेयर फुट पेंटर किसको कहा जाता है? एफ एम हुसैन को। लोसांग इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन, तो लोसांग ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम में। भांगड़ा इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो ये भांगड़ा पंजाब का फोक डांस है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ फोक डांस ऑफ इंडिया, इंडिया का कौन सा फोक डांस है? गरबा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश द कुचिपुड़ी विलेज इज लोकेटेड फ्राम विच द कुचिपुड़ी डांस इज, तो पीछे हमने कुचिपुड़ी डांस के बारे में बताया कि आंध्र प्रदेश में है, तो वो डिस्ट्रिक्ट अब आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कुचिपुड़ी लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। द पेंटिंग ऑफ इन अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर
चोला कियाज, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था, अजंता और एलोरा केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स है तो वो इंडिकेट करती हैं चोला कियाज की आर्ट को। मधुबनी पेंटिंग्स इज़ फेमस इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट, तो मधुबनी पेंटिंग्स ये बिहार स्टेट के अंदर फेमस हैं। डुल्लू कनिथा ये एक फोक डांस फॉर्म है कर्नाटका का। भगवत मेला ये फोक डांस है आंध्र प्रदेश का। विच स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ, तो कौन सी जगह एनिमल लॉ फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया, इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एनिमल लॉ ये कहाँ एस्टेब्लिश किया गया, तेलंगाना में। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज़ नोन एज ब्लैक पगोड़ा, कौन से टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, सन टेम्पल कोनार्क। इंडाइडेश स्टेट इज़ द हॉर्न बिल फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर, तो ये कौन से स्टेट में बनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में। हु आर द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाई इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स इन 1907, 1907 में फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की जानिब से, तो वो फर्स्ट रिसिपियंट कौन था, नंदाला बोस। द डेडेड डिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश ऑफ कश्मीर, कौन सी डिश पॉपुलर डिश है कश्मीर की, दम आलू। हु फाउंडेड योग शास्त्र द स्कूल ऑफ हिंदू फिलासफी, योग शास्त्र की फाउंडेशन किसने की थी, पतंजलि। द पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात इज, तो कौन सा डांस है, डांडिया। लोसांग इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम, विच इज द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का फोक डांस कौन सा है, कोलाट्टम। 98 विच इज द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, कोलाट्टम। नेक्स्ट कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट, आंध्र प्रदेश। गरबा अ पॉपुलर फोक डांस इज एसोसिएटेड विद इंडियन स्टेट, तो गरबा ये एसोसिएटेड है गुजरात के साथ। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कल्चर, इनमें से एलिमेंट ऑफ कल्चर कौन सा नहीं है, ह्यूमन बिलीफ, ह्यूमन बिलीफ इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कल्चर। तो बाकी जो हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, देन रिलीजन एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। विच इज़ द फर्स्ट टॉकी फिल्म, द जज सिंगर इन 1927। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तान वोकल म्यूजिक इज, हिंदुस्तान वोकल म्यूजिक की जो कंपोजिशन है उसकी ओल्ड फॉर्म कौन सी है, वो है ध्रुपद, सी पार्ट। व्हाट नेम वाज गिवन टू द सिटी ऑफ यसरब बाय प्रॉफिट मोहम्मद, तो प्रॉफिट मोहम्मद जो मुसलमानों के प्रॉफिट हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने यसरब को क्या नाम दिया था, मदीना। मदीना का पहले नाम यसरब था, बाद में वो मदीना, पहले यसरब था अब मदीना है उसका नाम। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ फेमस इन उत्तर प्रदेश, तो इनमें से कौन सा डांस उत्तर प्रदेश में फेमस है, क्लासिकल डांस, कथक। क्लासिकल डांस कथक इज़ फॉर्म, कथक क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ फेमस इन उत्तर प्रदेश। हु एस्टेब्लिश्ड खालसा द सिख ऑर्डर, गुरु गोबिंद सिंह ने ये खालसा सिख ऑर्डर एस्टेब्लिश किया था। विच इज़ द फर्स्ट संस्कृत फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, संकारा ये फर्स्ट संस्कृत फिल्म थी जो इंडिया में प्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जैनिज्म, महावीरा। फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन, तो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ये पीछे भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन। काला गदा फेस्टिवल इंडियाज़ लार्जेस्ट मल्टी कल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल, तो काला गदा फेस्टिवल ये इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी कल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल है, तो ये बिगिन होता है कहाँ पर, मुंबई में, इसमें तमाम कल्चर के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मीना इज़ द ट्राइब ऑफ राजस्थान। एलिफेंट फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच सिटी, जयपुर। फेस्टिवल ऑफ नौखाई वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। कथक नौटंकी जोड़ा एंड कजरी आर द इम्पॉर्टेंट डांसेज ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये आपको याद रखने हैं सारे। काला चक्र सरमनी इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड है काला चक्र सरमनी। एंशंट म्यूजिक वॉज प्रोड्यूस्ड बाई वट टाइप ऑफ कल्चर, तो एंशंट म्यूजिक ये कौन से टाइप ऑफ कल्चर ने प्रोड्यूस किया था, मॉडर्न, लार्ज एंड लिटरेट, ऑल द एबो।
Which tribe of Arunachal Pradesh is celebrating Bori Boot Yula Festival? तो Bori Boot Yula Festival है, ये कौन सी tribe Arunachal Pradesh की celebrate करती है? Nishi, D part. The Veda which deals with rituals is known as? तो Veda का वो part जो deal करता है rituals को, उसको क्या बोलते हैं? Yajurveda. Ragini is a popular form of folk song belonging to the state. Ragini एक popular song है, तो ये कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू हरियाणा. लावाणी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट इन इंडिया. तो लावाणी किस ये डांस फॉर्म है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? महाराष्ट्र. सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आसाम. लीला समसन इज एसोसिएटेड टू विच क्लासिकल डांस स्टाइल्स. तो लीला समसन ये एसोसिएटेड है भरतनाट्यम के साथ. When was Arya Samaj divided on principles? Arya Samaj कब divide हुई थी? On the principles 1893 में. Gidda is a folk dance of which state? तो Gidda ये पंजाब का folk dance है. In which Indian religion there are 24 तीर्थंकराज? Jainism में इसके 24 तीर्थंकराज हैं. ये Indian religion है जिसके 24 तीर्थंकराज हैं, ये है Jainism. देन सितारा देवी इज एसोसिएटेड विद, सितारा देवी ये किसके साथ एसोसिएटेड है? कथक डांस के साथ. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस फॉर्म ऑफ केरला. तो इनमें से केरला का फोक डांस कौन सा नहीं है? चपेली नहीं है, बाकी कथकली, थुलाल एंड कोयकोटिकली, तो ये सब केरला के डांस फॉर्म है. इनको आपने याद रखना, इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनको आपने नोट करना है. देन तिरताली इज़ अ फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश. लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो लोसार ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम में. द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हिम्पी इज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू सेंटर. तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हिम्पी में है, ये एक इम्पॉर्टेंट हिंदू सेंटर है. देन रुक्मणी देवी अरुंधले, शी वॉज अ रेप्यूटेड डांसर, रेप्यूटेड डांसर थी एंड कोरियोग्राफर थी. इन विच फॉर्म ऑफ डांस, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड थी. बिहू इज अ फोक डांस ऑफ आसाम. गरादी इज अ फोक डांस ऑफ पुडुचेरी. मोस्ट ऑफ द पॉपुलर इन श्रीलंका फॉलोज बुद्धिज्म, ज्यादा पॉपुलेशन श्रीलंका की बुद्धिज्म. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन श्रीलंका फॉलोज बुद्धिज्म. बुहाग बिहू ये एक फेस्टिवल है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मेनली इन द स्टेट ऑफ आसाम. इन विच आर द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ तमिलनाडु शिवा इज वर्शिप्ड एज नटराजा. तो शिवराजा को एज ए नटराजा वर्शिप किया जाता है एक फेमस टेम्पल ऑफ तमिलनाडु में, तो उसका नाम क्या है? चिदंबरम. चिदंबरम इसका नाम है टेम्पल का. फॉर विच आर द फॉलोइंग द टर्म सैंडलवुड इज यूज. सैंडलवुड किसके लिए यूज की जाती है? कनाडा सिनेमा के लिए. इन विच रीजन हम्पीस गुम्पा इज लोकेटेड इन इंडिया. हम्पीस गुम्पा इज लोकेटेड इन लद्दाख. नेक्स्ट, हाउ कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज इन इंडिया. तो कुंभ मेला कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? एवरी 12 ईयर्स एट 4 लोकेशंस. हर 12 साल के बाद कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है 4 लोकेशंस पर. चॉल्टन इज अ टर्म रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग रिलीजन. तो चॉल्टन ये रिलेटेड है, इज ए टर्म, ये एक रिलीजन से रिलेटेड है टर्म, तो वो है बुद्धिज्म से रिलेटेड टर्म है. विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म. तो कलर्ड फिल्म सबसे पहले कौन सी बनाई गई थी? किसान कन्या, बी पार्ट. किसान कन्या रिटन बाय सादत हुसैन मंटू, वाज प्रोड्यूस्ड बाय आर्देशिर ईरानी. तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म थी. पंचमहल इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन फतेह सिकरी. फतेह सिकरी में लोकेटेड है पंचमहल. नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देवनिमोरी स्टूपा रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज लोकेटेड. बुद्धिज्म से रिलेटेड ये देवनिमोरी स्टूपा है, तो ये कौन से स्टेट में है? गुजरात में. इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया द पोंग विच इज़ अ ड्रम इज इंटेग्रल पार्ट. तो ये पोंग है, इसको बोलते हैं, ये एक ढोलक की शेप का होता है. तो ये कौन से डांस फॉर्म का एक पार्ट है? तो ये मणिपुरी डांस, मणिपुरी डांस ये इसका पार्ट है. देन वेदंथम सत्यनारायण
इज नॉन टू बी द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ विच आर द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स. तो वेदांतम सत्यनारायण ये एक ग्रेटेस्ट गुरु थे कौन से डांस के, कुचिपुड़ी डांस के. इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्री फेस्टिवल विच इज़ ऑब्जर्व एज अ क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ऑब्जर्व. तो ड्री फेस्टिवल जो फसलों को काटते वक्त ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में. किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान, तो ये फेमस है किसके लिए, पेंटिंग्स के लिए. इन इंडियन माइथोलॉजी हु संग शिवा तांडवा स्तोत्रा, तो शिवा तांडवा स्तोत्रा हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग किसने ये गाया था, रावण ने गाया था ये शिव तांडव स्तोत्रा. वट इज़ द अर्लियर नेम ऑफ लह सिंगे खबाब्स फेस्टिवल, लह सिंगे खबाब्स फेस्टिवल इसका पुराना नाम क्या है, सिंधु दर्शन. द पुतुल नाच पपट्री आर्ट, तो पुतुल नाच पपट्री एक आर्ट टाइप है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, इट बिलोंग टू वेस्ट बंगाल. देन फॉर पेंटिंग्स ये एक रिलीजियस सिक्रॉल पेंटिंग्स है, प्रैक्टिस्ड होती हैं इन विच स्टेट, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान. तो ये थे तमाम करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए, मैंने कोशिश किए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन कल्चर पर बन सकते थे उनको मैंने यहाँ जमा किया है. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 2-4 बार इसको देखना है, बार बार देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें. ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.